मकर संक्रांति के दिन तिल का सेवन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा और इसको लेकर राजधानी रांची के अलग अलग जगहों पर तिलकुट का बाजार भी सज चुका है। लोग त्योहार को लेकर जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर राजधानी रांची में तिलकुट की सुगंध से महकने लगी है। इस बार दुकानदारों ने शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जायफल, लौंग और इलायची के मिश्रण से तिलकुट बनाया है। बाजार में चीनी से तैयार तिलकुट 340 रुपए प्रति किलो और गुड़ से तैयार तिलकुट 360 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। वहीं खोआ से बना तिलकुट 450 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। 340 रुपए चीनी वाला, गुड़ वाला 360 रुपए और रेवड़ी बनाया है, रेवड़ी है 240 रुपए किलो और पट्टी है 320 रुपए किलो और खोआ वाला 450 रुपए किलो है। चीनी में भी गुड़ में भी दोनों सेम है। हम लोग इसको 2 महीना पहले से बनाते हैं। उसके महत्व है इसलिए, और जाड़े में तिल खाना चाहिए, गर्म होता है तासीर में, इसलिए लोग मकर संक्रांति के सुबह सुबह तिल का ही ज्यादा सदुपयोग करते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिलकुट का सेवन करने का 2 खास महत्व है। पहला धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा है तो वहीं दूसरा वैज्ञानिक कारण से। धार्मिक अनुष्ठान के मुताबिक इस बार 15 जनवरी की सुबह 8:42 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगी, लिहाजा इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। 15 तारीख को मकर संक्रांति का व्रत मनाया जा रहा है, इसलिए कि आज जो कल की जो मकर संक्रांति है उसमें प्रातः 8:42 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहां से खरमास का भी अंत होगा और सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, शादी विवाह लगन आदि कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। चूड़ा दही दही के साथ मिलाकर खाने से शारीरिक पौष्टिक आहार मिलता है, पौष्टिक होता है, गुड़ गर्म तासीर का होता है, यह हमारे शरीर को आरोग्य क्षमता बढ़ाता है। तिलकुट का सेवन करने का ट्रेंड वैसे तो बिहार का है, बदलते दौर के साथ इसका प्रचलन कई राज्यों में बढ़ रहा है। मकर संक्रांति के दिन स्नान कर दान करने की प्रथा है, लिहाजा इस दिन लोग तिल दान करते हैं। मकर संक्रांति मनाने के उपरांत ही खरमास की समाप्ति होगी और शादी विवाह गृह प्रवेश मुंडन संस्कार जैसे शुभ कार्य की शुरुआत होगी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन नीरज के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट।